नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। सरकारी विभागों में जरूरत के अनुसार पदों को तर्कसंगत बनाने के लिए राज्य में रैशनलाइजेशन कमीशन गठित किया जाएगा। यह कमीशन हर विभाग में पदों की संख्या को रैशनलाइज करेगा। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जा रही भर्तियों के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने सदन को स्पष्ट किया कि ठेकेदारों के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर रोजगार दिए जाने के मामलों में कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें मिलती थी। कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर प्रारंभ में एक साल के लिए रोजगार दिया जाता है। यह कच्ची नौकरी है। हरियाणा लोक सेवा आयोग व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियमित भर्ती होने पर इन युवाओं को नौकरी छोड़नी होगी। हालांकि ये युवा नियमित भर्ती के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि HKRN के माध्यम से सबसे पहले उच्च शिक्षा वालों को प्राथमिकता मिलती है। उन्होंने कहा कि HKRN के माध्यम से अभी तक केवल 4 से 5 हजार TGT PGT भर्ती हुई है और उन्होंने स्वयं 10-10 उम्मीदवारों से बात की है कि उन्हें निगम से संदेश आया है या नहीं। उन्हें ज्वाइनिंग के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इन 4 से 5 हजार के अलावा जो कर्मचारी पहले से आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे हैं उनका डाटा निगम पर पोर्ट किया गया है। हालांकि इस दौरान एक विषय सामने आया कि ठेकेदार ने कितने व्यक्तियों को रखा, कितने को ज्वाइन करवाया और कितने को डाटा निगम को दिया, यह जांच का विषय है। अगले सत्र में यह प्रयास रहेगा कि इस प्रकार का सारा डाटा सदन में प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने यह प्रावधान भी किया है कि कोई भी कर्मचारी अगर उच्च पद पर होने वाली नियमित भर्ती में जाना चाहता है तो उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता नहीं है, केवल विभाग को सूचित करना है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि निगम के माध्यम से अब तक की गई भर्तियों में 37% उम्मीदवार अनुसूचित जाति से संबंधित है। इसी प्रकार BCA व BCB के 27.4% है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि निगम की ओर से अपनाए जा रहे मानदंड को वेबसाइट पर भी डाला जाएगा। इस मानदंड में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, PPL की 1.80 लाख रुपए की वार्षिक आय और आय समूह को दिए जाने वाले अंक, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता इत्यादि शामिल हैं। अब से उम्मीदवार स्वयं भी कट ऑफ मेरिट के अनुसार अपने अंकों का आंकलन कर सकता है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एक साल में केवल 20,000 की सरकारी नौकरियां देना संभव न हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। हमने पिछले 8 साल में 1 लाख नौकरियां दी हैं और आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा 50,000 की और भर्ती कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकारी विभागों निगमों में अनुबंध आधार पर पारदर्शी तरीके से मैन पावर उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही कोई निजी कंपनी एजेंसी को भी यदि मैन पावर की आवश्यकता है तो वो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम को मांग भेज सकता है। क्योंकि सरकार ने पारदर्शी तरीके से ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें युवाओं को EPF ESI का लाभ मिलना भी सुनिश्चित हो रहा है। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी ने 2023 को मिलिट ईयर करके और UNO में एक सहमति करवा ली है और सारी दुनिया में ये विषय चला गया कि मोटा अनाज मिलेट इसका उपयोग 2023 में करेंगे ताकि लोगों के व्यवहार में आदत में इस अनाज को खाने की एक रुचि बढ़े, उसी को ध्यान में रखते हुए आज विधानसभा के जितने भी विधायक और बाकी सब साथी हैं आप लोगों समेत विधानसभा स्पीकर साहब और हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने आयोजन किया था। दोपहर को भोजन का भी बहुत स्वादिष्ट भोजन था और इस मिलेट ईयर की ओर ध्यान जो है वो आपके माध्यम से सब लोगों का चला जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम उसके माध्यम से भर्ती बहुत सी यानी एक प्रकार से गलत फहमियाँ कन्फ्यूजन्स ये बने हुए थे, विधायकों के ध्यान में भी थे, विपक्ष के लोग तो उठाते ही रहते हैं, उसका एक एक विषय एक एक पहलू उसको मैंने अपनी ओर से भी स्पष्ट किया है और अब अंत में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी के दिमाग में नहीं था। बहुत लोग इसको ये मान के चल रहे थे शायद ये रेगुलर भर्ती है, रेगुलर भर्ती नहीं है, ये एक एडॉक एक एक साल की भर्ती, जब तक HPSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से भर्ती नहीं होती तब तक के लिए ये व्यवस्था की जाती है। पहले ये ठेकेदारों के माध्यम से की जाती थी लेकिन अब ठेकेदारों के बजाय एक कॉरपोरेशन बना करके और हम लोगों ने सीधा इसमें बिना किसी एग्ज़ाम के और जो उनकी अपनी योग्यताएं होती हैं अथवा उनकी जैसे सोशो इकोनॉमिक स्थिति होती है उन चीज़ों को ध्यान में रख करके प्रायोरिटी ये है कि गरीब आदमियों को इसका लाभ जितना भी समय मिले उन्हीं को मिले और उसके बाद वो लोग अपने आप को तैयार करके कौशल के माध्यम से अथवा अपनी पढ़ाई के माध्यम से रेगुलर भर्ती में भी वो लोग जाए इसके लिए भी हम उनको तैयार करें।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की सदन में चल रही कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है और कहा है कि विधायी कार्य होने के साथ साथ विधायकों की भागीदारी भी बढ़ी है। सदन की कार्रवाई के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को फंड आवंटित करने के लिए नई व्यवस्था की जाएगी। सरपंचों के अधिकार पहले की तरह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत ही बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकार भी बढ़ने चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी बनाने का कार्य याशी कंपनी को दिया गया है था और इसी कार्य में आई त्रुटियों को दूर करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कार्य कर रहे हैं और जल्द इस कार्य को पूरा करने की उम्मीद है। इस दौरान उन्होंने विधायी कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। सीएम ने कहा कि वर्ष 2022-23 की 1,261 करोड़ की बजट संशोधित अनुमान भी पारित किए गए हैं और इसके अलावा 7 विधेयक भी पारित हुए हैं। 2022 का विधानसभा का अंतिम सत्र बताते हुए उन्होंने मीडिया कर्मियों को नव वर्ष 2023 की शुभकामनाएं दी। लोकतंत्र में छोटी मोटी नोक झोंक भी होनी चाहिए, लेकिन इस बार प्रश्नोत्तर और साथ में जिस प्रकार का एक संवाद कविताओं का चला वो भी एक विशेष अवसर था। कल जैसे 7 विधेयक ये पारित हुए थे, उसमें आज 4 विधेयक और पारित किए गए हैं, तो कुल इस सत्र के 11 विधेयक पारित होने का एक जो बना है विषय। 4 विधेयक में एक हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रबंधक जो विधेयक उसका संशोधन विधेयक ये पारित किया गया, हरियाणा नगर निगम और नगर पालिका संशोधन विधेयक, हरियाणा विनियोग यानी अप्रोप्रिएशन बिल इसको भी पारित किया गया है। इसमें कुछ प्रावधान जो बदलने के हैं वो सब बदले गए हैं। अतिरिक्त जो विषयों में आज अपने उत्तर में मैंने बताया है सब, साथ में दिल्ली सरकार को आग्रह किया है कि इस पानी को साफ करके भेजे। दिल्ली के लोगों की ओर से भी जो बात बार बार आती है कि हरियाणा से चाहे यमुना से पानी जाता है चाहे नजफगढ़ ड्रेन से पानी वहाँ पहुँचता है, उसके लिए हम भी जो पग उठा रहे हैं वो सब बताए गए हैं। हम पानी को साफ करने का अपना पूरा प्रयत्न करते हैं, चाहे नजफगढ़ ड्रेन हो अथवा यमुना हो, हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एसटीपी सीटीपी से लगाया जाए और इसका बीओडी सीओडी का लेवल जितना ज़्यादा कम आएगा उतना अच्छा। यही आग्रह दिल्ली सरकार को भी किया है कि दिल्ली के ऐसे प्रदूषित पानी को साफ करके उसमें डालें। 2022 वर्ष का ये अंतिम सेशन ये समाप्त हुआ है। 2023 की शुभकामनाएं सबको देते हुए आपके माध्यम से हरियाणा की पूरी जनता को 2023 की शुभकामनाएं देते हुए और आज ये सत्र की समाप्ति हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नई पंचायतों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। पंचायती राज संस्थाओं को जो भी ग्रांट इन एड दी जाती है उसे खर्च करने का अधिकार इन्हीं संस्थाओं का है क्योंकि ये स्वायत्त संस्थान है। उन्होंने कहा कि पंचायत ब्लॉक समिति जिला परिषद नगर पालिका नगर परिषद व नगर निगम को भी और अधिक सहायता दी जाएगी। अब सरपंच 2 लाख तक के कार्य कोटेशन आधार पर अपने स्तर पर करवा सकेंगे। 2 लाख से अधिक के कार्यों के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल पर टेंडर के माध्यम से होंगे। अब नई व्यवस्था के तहत उपमंडल स्तर पर 2 लाख से 25 लाख तक के कार्य एसडीओ की ही अप्रूव कर सकेगा और सरपंच ब्लॉक समिति व जिला परिषद के चेयरमैन इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेगा। पहले कार्यों की अप्रूवल की फाइलें मुख्यालय स्तर तक जाती थी, अब स्थानीय स्तर पर ही ये सब अप्रूवल मिलेगी। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन अपना जवाब दे रहे थे। सीएम ने कहा कि इस प्रकार 25 लाख से 1 करोड़ तक के कार्यों की तकनीकी सैंक्शन एक्शन इन करेगा और अप्रूवल सीईओ जिला परिषद करेगा। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की तकनीकी सेक्शन अधीक्षक अभियंता करेगा और अप्रूवल निदेशक पंचायत देगा। 2.5 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य की तकनीकी सेक्शन EIC या चीफ इंजीनियर करेगा और अप्रूवल प्रशासनिक सचिव करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्तीय आयोग और केंद्रीय वित्तीय आयोग से प्राप्त बजट यदि कम पड़ता है तो ग्रामीण विकास विभाग और HRDF या राज्य सरकार के अन्य रिजर्व फंड से मांग आधारित फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। इन निधि से जो भी कार्य किए जाएंगे उनमें 25 लाख तक के कार्य की स्वीकृति निदेशक पंचायत देगा। 25 लाख से अधिक के कार्य ग्रामीण विकास विभाग कराएगा। अप्रूवल या सेक्शन सब राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। 5 से 10 करोड़ रुपए तक के कार्य से संबंधित मंत्री द्वारा तथा 10 करोड़ से अधिक के कार्य मुख्यमंत्री के पास आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल भराव के कारण जिस जमीन पर फसल की बुआई नहीं हो पाई उन किसानों को मुआवजे के रूप में दी जाने वाली 6,000 रुपए प्रति एकड़ की राशि को बढ़ाकर 7,500 प्रति एकड़ किया गया है, लेकिन जो किसान
ईंट भट्टा लगाने और किसी निर्माण कार्यों के लिए वाणिज्य लाभ हेतु अपने खेत की मिट्टी का उठान करवाते हैं और जल भराव होता है तो उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे किसानों को मत्स्य पालन की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।